ये मौजूदा दौर में जहां हमारा देश तीसरी लहर से जूझ रहा है, तो वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की आर्थिक नब्ज को टटोलते हुए आज अपना चौथा बजट देश के समक्ष पेश किया। नागपुर के हमारे चुनिंदा वित्तीय विश्लेषकों की नजर में इस बजट में क्या मायने हैं और कैसा होगा हमारा आगामी वित्तीय वर्ष 2022-2023 का बजट, आइए जानते हैं वीकेबी न्यूज की इस खास पेशकश में। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इतना प्रोग्रेसिव बजट कोविड की विपरीत परिस्थितियों के बाद भी उन्होंने दिया। प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व और निर्मला जी की सोच वास्तविक में देखने लायक है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा, इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ यानी देश की ग्रोथ, ये मोदी जी की सोच है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा, हाउसिंग को बढ़ावा, रिवर लिंकिंग, 5,00,000 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर देश में क्रिएट करना, रेल, रोड, सभी प्रकार की चीजों को मिलाकर इरिगेशन, वास्तविक में यह देश की कायाकल्प करने वाला बजट है। मैं उसके अलावा गरीबों के कल्याण की सारी योजनाएं उन्होंने शुरू रखी। आज किसानों का जो माल है MSP से ज्यादा भाव पर खरीदने के लिए करोड़ों रुपए उन्होंने खर्च कर दिए और आगे भी खर्च करने की सरकार की तैयारी है। ये इस सोच को दिखाता है कि अंत्योदय की चिंता करने वाली ये सरकार है। समाज के अंतिम व्यक्ति को इस बजट का लाभ कैसे हो, ये इसमें दर्शाया गया है। मैं फिर से भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व की सरकार को इस शानदार बजट के लिए बहुत बहुत बधाई। Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।